जब मनुष्यों को अचानक लगने लगे कि उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उनके जीवन में घोर संकट व्याप रहा है, रात्रिकालीन अनेक अनेक प्रकार के निद्रा अवस्था में प्रेत योनि को भटकने जैसे स्वप्न दिखने लगे, पूर्वज लोग बार बार दिखने लगे। निद्रा अवस्था के समय में जब मनुष्य को डरावने सपने दिखने लगे, भयानक अचानक भूत प्रेतों की आवाज जैसे सुनाई देने लगे, स्वप्न में कभी कभी कोई वृद्ध जन दुख के मारे, ताप के मारे, बुखार के मारे तड़पता हुआ दिखाई दे, भूख से भूखा तड़पता हुआ, पानी मांगता हुआ, प्यासा कोई सज्जन महापुरुष आपके दरबार में आया है, ऐसे भयानक भयानक संकेत मिलने लगे, सर्प दिखने लगे, बार बार सर्प दंश दिखने लगे, उस समय आप ये जान लेना कि आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हैं, उसे संत मुनि महात्मा कहते हैं। कई साधक सिद्ध महापुरुष अचानक अपने घर में आते हैं और उनको यह व्यथा सुनाने लगते हैं, महाराज मुझे ऐसा अचानक क्यों महसूस होता है कि मुझे कोई बाधा सता रही है, भूत प्रेत बाधा लग गया है। स्वप्न आते हैं, जब मैं मोटरसाइकिल से सफर करता हूं महाराज तो मुझे अचानक भय लगता है, डर लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे मेरा एक्सीडेंट ही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। मेरा जीवन, मेरा मन बड़ा विचारणीय है, भगवान कृपा करके मुझ पर और सटीक उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। तब ऋषि मुनि महात्मा जन उसकी भविष्यवाणी करते हैं। सिद्ध साधक सरल नहीं होते भक्तों, उनके जीवन में पितृ दोष के कारण भी ऐसी आधी व्याधि सताते रहती हैं। जब वो घर में परेशान होने लगता है, मनुष्य सब मढ़िया मंदिर जादू टोना टोटके के चक्कर में घूमता रहता है, छोटे छोटे टोटके करवाता है कि ये स्वप्न मुझे ना आए, मुझे भय से मुक्ति मिले, किंतु कैसे मिलेगी। जब आपने अपने माता पिता की जीते जी सेवा नहीं की और अब आप उनके छूट जाने के बाद, उनके चले जाने के बाद उनकी दिव्य आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो तुमको सरलता से भी यह मार्ग प्राप्त नहीं होगा।